सो फाइनली गाइज फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे ट्रेड लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फिर से चलती हुई गाड़ी में फिर बैठने वाले हैं, और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो जो मार्केट जो है अप साइड में जा रहा है, ठीक है, अप साइड में जा रहा है। बट यहाँ पे हम इस कैंडल में मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड, ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है बन करके किधर जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और करने के बाद देखते हैं कि मार्केट जो है किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। और देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है बन चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल में ही मैं ट्रेड लेने वाला हूँ अपसाइड की तरफ। देखिए अपसाइड की तरफ निकल रहा है ना, तो अपसाइड की तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। और देखिए हमने पहले सुबह में एक ट्रेड लिया था जिसमें 700 कुछ रुपए का जो है मेरे को लॉस हो चुका था, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो है लॉस और प्रॉफिट तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है, लॉस नहीं, यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक कॉल साइड में मैं एक एंट्री बना लिया, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत हमें लॉस चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट भी दिखाया था और थोड़ा बहुत अभी लॉस चल रहा है, तो अभी फिलहाल वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा जो होता है ना वेट का ही पैसा मिलता है, जो वेटिंग करता है ना उसी को पैसा मिलता है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो है मेरे को प्रॉफिट दिखाया था फिर से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत ही हमको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही लॉट से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम यहाँ पर मूवमेंट लेंगे नहीं। और यहाँ पर ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम प्रॉफिट लेकर के निकल जाए, यदि लॉस भी लेंगे तो बहुत कम लॉस लेकर के निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए ये स्कैल्पिंग था तो तुरंत गए, तुरंत निकल आए, जितना का प्रॉफिट हुआ निकल के आ जाए। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होता ना कि दो लॉट लिए रहते तो यहाँ पे मेरा जो है प्रॉफिट 400-500 का प्रॉफिट होता, बट मैंने यहाँ पे एक ही लॉट लिया था, ठीक है। जब एक लॉट लिया था तो 200 कुछ रुपए का हमने प्रॉफिट लेकर के निकल चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ। तो देखिए मार्केट अभी भी अपसाइड जा रहा है, बट यहाँ पे देखिएगा प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। और यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा भी वेट करते ना, थोड़ा सा और वेट करते तो और यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मेरे को जो है प्रॉफिट देखने को मिलता, बट हमने स्कैल्पिंग किया था तो तुरंत गए, तुरंत निकल आए। देखिए स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है, क्योंकि देखिए स्कैल्पिंग में होता क्या है कि तुरंत गए यानी एंट्री किए, जितना भी प्रॉफिट हुआ ना उतना ले करके निकल आए, और जितना भी लॉस हुआ उसको भी बुक करके निकल गए। तो यही होता है स्कैल्पिंग में। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है, अब देखते हैं मार्केट किधर जाता है। तो फिलहाल वेट करते हैं, और देखिएगा प्रीमियम पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये इंड मनी का प्रीमियम है, तो इंड मनी के प्रीमियम में आप देखिएगा कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे मूव कर रहा है और किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर जो ये टिक लगा हुआ है ना, आप लोग को मैं बता दूँ, ये लाल कलर का जो टिक लगा हुआ है, ये लाल कलर का टिक बता रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। हम आपको पहले ही बता दें यहाँ से मार्केट जो है गिरने वाला है, यानी कि देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये निफ्टी 50, अभी जो ये वीडियो जो बन रहा है ना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी 50। तो यहाँ पे मार्केट जो है नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अभी बता रहा था, ठीक है, वो जो लाल कलर का जो दिख रहा है ना आपको तीर का आइकन, तो वो अभी बता रहा है मार्केट अभी यहाँ पे नीचे गिरने वाला है। बट यहाँ पे इसीलिए हम निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, ना ही रेजिस्टेंस ना ही सपोर्ट, तो इसीलिए हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और प्रीमियम देखिए थोड़ा सा और वेट करते तो यहाँ पे 300-400 का प्रॉफिट यहाँ पे लेकर के निकल जाते, यानी सुबह का लॉस अभी यहाँ पे प्रॉफिट में लेकर के निकल जाते, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कैसे होता है आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, और स्कैल्पिंग में किस तरह से जो है हमने काम किया अभी, ठीक है, आपके सामने ही चलते हुए गाड़ी पे बैठा और वहाँ से निकल चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और देखिए अभी ये कैंडल जो है अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होने देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि मार्केट किधर जाता है। और हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर मैं प्रीमियम का जो है इंड मनी का प्रीमियम देख रहा हूँ, तो कितना से कितना गया है। तो देखिए प्रीमियम जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया हुआ है, ठीक है, 16-17 पॉइंट का यहाँ पे मूव दिया हुआ है, तो 16-17 पॉइंट भी बहुत होता है, हम तो 3-4 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए हैं, 16-17 पॉइंट बहुत होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है इसी तरह से ट्रेडिंग सीखते रहिए और काम करते रहिए। और हम आप लोग को बता दें, देखिए यहाँ पर जो है इंडिकेटर में आप लोग देख सकते हो नीचे में, ठीक है, इंडिकेटर में भी कहाँ पे बाई करने के लिए बोला था और मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस तरह से जो है इंडिकेटर भी मेरा जो है अभी साथ दे रहा है, और यहाँ पे मेरा जो है सेल करने का ऑप्शन भी आता है, ठीक है, जहाँ पे भी सेल करने के लिए अब बोलता है ना वहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करके सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इंडिकेटर काम करता है। यदि आप लोग को इंडिकेटर का नाम या कुछ भी चाहिए तो वीडियो के
वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से जो है काम करना है और कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।